स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, द जंक सेलर। जंक सेलर का मतलब होता है कबाड़ी वाला, ठीक है, जो कबाड़ होता है ना, भंगार जिसको बोलते हैं, उसका सेलर, उसका होल सेलर। हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाली, अ वुमेन हु सेल्स जंक? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण, हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। स्टूडेंट्स, ये एक ट्रू स्टोरी है किरण की। ये एक लेडी है जो, ये वो वुमेन है जो कबाड़ी वाली है, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ कबाड़ी वाला, मैन के बारे में सुना हो, बट ये कबाड़ी वाली, और ये जो किरण है वो पटना में रहती है। किरण अपनी लाइफ की बात बता रही है। आई स्टडीज इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। I loved Hindi and science, but I hated maths. Today, maths is the most useful for my work. I couldn't never imagine this in school. Students, किरण अपनी लाइफ की बात बताते हुए कह रही है कि उसको हिंदी मीडियम स्कूल में वो पढ़ी हुई थी। उसके पापा जैसे बॉयज़ को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही किरण के पापा गर्ल्स को भी फेवर में थे और गर्ल्स को भी पढ़ाना लिखाना चाहते थे। और जो किरण है उसको हिंदी एंड साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, बट मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब उसका काम क्या है, वो कबाड़ी वाली है, ठीक है। तो मैथ्स तो उसकी लाइफ का बहुत ही यूज़फुल पार्ट हो गया है। मैथ्स के बिना तो उसका काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसने कभी नहीं सोचा था स्कूल लाइफ में कि मैथ्स मुझे इतना यूज़फुल रहेगा, इतना काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? अभी आप अपने बारे में बताइए कि आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? तो बहुत से बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट में यस ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? अभी आप अपना व्यू बताएंगे कि आपको मैथ्स की बुक में कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजियर लेसन? When I was young, my father died in accident, so my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. उसके पापा जो हैं, किरण के पापा, वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन किरण जो है वो 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाई। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर हैं उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। फिर उसके मम्मी हैं वो किसी और के घर काम करने के लिए जाती थी, इसके लिए किरण को 8th तक ही पढ़ा पाई, उससे ज़्यादा उसकी मम्मी ने उसको नहीं पढ़ाया। एंड जैसे किरण थोड़ी बड़ी होती है, फिर किरण की शादी हो जाती है। माय हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। His two brothers and his sisters did not go to school. He had a tea stall. किरण के जो हस्बैंड है, वो उनकी जो फैमिली है वो मड हाउस में रहती है। उसके हस्बैंड के टू ब्रदर्स एंड एक सिस्टर हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, ठीक है। एंड जो किरण के हस्बैंड है उनकी टी स्टॉल, चाय की दुकान है। Our question is, find out how much for a cup ऑफ टी। हमें फाइंड करना है कि एक कप टी के कितने रुपीस हैं, ठीक है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ अ टी। प्लेस हमको बताई हुई है, एक अ टी स्टॉल। टी स्टॉल पे एक कप टी कितने की मिलती है, एंड एट अ होटल, होटल पे ही वो कितने की मिलती है। स्टूडेंट्स, से हम अप्रोक्स अगर बताएं तो जो टी स्टॉल है वहाँ पे एट प्रेजेंट 10 to 15 रुपीज़ में एक कप टी का हमें मिलता है, ठीक है। एंड होटल की बात करें, एट अ होटल, तो वहीं एक कप जो टी का है वो 40 to 50 रुपीज़, एंड डिपेंड करता है कि वो होटल किस तरीके की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, एक टी स्टॉल है जो चला रहा है वो एक दिन का ₹30 in a day earn कर रहा है, ठीक है। How much will he earn in 10 days? तो वो 10 दिन में कितना earn करेगा?
In one day, he earn rupees 30. In 10 days, he will earn 10 multiplied by 30. Students से 10 हमने days लिए हैं and 30 ये जो है one day का earning है इसका, ठीक है. 10 multiplied by 30 is equals to rupees 300. तो one day में वो 300 rupees, sorry 10 days में वो 300 rupees earn करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड इन अ मंथ. स्टूडेंट्स हमने 10 डेज का फाइंड आउट किया, अभी हमें मंथ का फाइंड आउट करना है, ठीक है. हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस. इन वन डे ही अर्न्स रुपीस 30. स्टूडेंट्स वन डे में वो 30 रुपीस अर्न करता है, ठीक है. इन 30 डेज ही विल अर्न, तो 30 डेज में वो कितने अर्न करेगा, तो उसके लिए हम ये 30 रुपीस एंड ये 30 डेज इनका मल्टीप्लाई करेंगे. 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 900 रुपीस. वन मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में मीन्स वन मंथ में वो 900 रुपीस अर्न करेगा. ओके. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और टेलर शॉप, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. Students ये जो किरण है ना, वो खुद का business करना चाहती थी, तो वो bangle shop करना या tailor की shop ऐसे सोच रही थी, but उसके uncle ने बताया कि अगर वो junk shop open करेगी तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकती है. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for the shop. Students, तो किरण और उसकी मदर इन लॉ ने 2001 में खुद की जंक शॉप ओपन की थी एंड 8,000 रुपीज़ उन्होंने लोन ली थी, ठीक है. स्टूडेंट्स लोन वर्ड तो आपने सुना ही होगा. वॉट इज़ अ लोन. लोन एक बोरोइंग मनी है, ठीक है, जो विथ इंटरेस्ट रिटर्न करनी होती है. Have you ever heard of someone taking a loan for what? अभी आपको लोन का तो पता चल गया कि लोन है वो बोरोइंग मनी, हम किसी से लेते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन से भी ले सकते हैं एंड जो बैंक होती है वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी लोन देते हैं. तो लोन के बारे में तो अभी आपको पता चला थोड़ा बहुत. अभी लोन किसी ने ली है, ऐसा आपने सुना कि किसी ने लोन ली है? यस. तो फिर किसके लिए, क्यों ली है, फॉर वॉट लोन क्यों ली है. हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितने लोन लिए. स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसके लिए लोग लोन लेते हैं, जैसे कि मकान मतलब हाउस परचेस करना या फिर उसको रिपेयर करवाना, गाड़ी लेना, व्हीकल्स परचेस करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, ठीक है. कितने लोन ली है, हाउ मच लोन वॉज टेकन. हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, कितनी लोन ली है और कितनी मनी बैक करनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स ये फिक्स है कि जितनी अमाउंट हम लोन का लेते हैं उसमें प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, उतना अमाउंट ही पे नहीं करते हैं, ज़्यादा ही अमाउंट पे करते हैं. क्लियर. स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया है. हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर रुपीज़ 300. हरिया और बाबू है वो हैंड कार्ट परचेस करना चाहते हैं, उस हैंड कार्ट के प्राइस है 300 रुपीज़, ठीक है. देखिए ये हरिया है एंड ये बाबू है. हरिया कहता है आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स. आई विल पे रुपीज़ 51 एवरी मंथ टू द बैंक. हरिया ने बैंक से लोन ली है 300 रुपीज़ और हरिया को 6 मंथ तक 51 रुपीस बैंक को पे करने, मीन्स एवरी मंथ 51 रुपीस फॉर 6 मंथ्स, ठीक है. बट बाबू क्या कहता है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीस 300 फ्रॉम चुन्नीलाल. चुन्नीलाल एक पर्टिकुलर पर्सन है, उससे बाबू ने 300 रुपीस लोन ली है. After 6 months, I will pay back rupees 360. 6 month के बाद बाबू को 360 रुपीस पे करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन इस तरीके से
हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, किसने ज़्यादा बैक पे बैक किया है, ठीक है, हरिया ने या फिर बाबू ने। चलिए हम इनका सॉल्यूशन देखें। इन वन मंथ हरिया विल पे रुपीज 51। वन मंथ, एवरी मंथ में हरिया को 51 रुपीज पे करने हैं। इन सिक्स मंथ हरिया विल पे, तो सिक्स मंथ कंप्लीट होगा तो 6 महीने तक हरिया है वो कितने रुपीज पे करेगा, तो हम ये 51 यानी 6 मंथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 51, देन आर आंसर इज रुपीज 306। हरिया है वो आफ्टर 6 मंथ रुपीज 306 पे करेगा, ठीक है। सो इन अ 6 मंथ हरिया विल पे रुपीज 306 टू दी बैंक। और हमको क्वेश्चन में ही बता दिया था कि बाबू विल पे बैक रुपीज 360। बाबू कितना पे कर रहे हैं, 360, एंड हरिया है वो 306, ठीक है। बाबू हैज़ टू पे बैक मोर, तो बाबू है वो ज़्यादा पैसे बैक कर रहा है, ठीक है। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आर वर्क, दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। स्टूडेंट्स, जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इसे कहा ये तो डर्टी बिजनेस है, गंदा काम है, बट किरण को पता था कि इनका आइडिया बहुत ही अच्छा है एंड वो वर्क करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव, माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, पहले ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, बट अभी उनकी कंडीशन, इनकी सिचुएशन इतनी अच्छी है कि बच्चे अभी पढ़ाई भी करते हैं, उनके घर में टीवी, फ्रिज भी सब मटीरियल है। ओके, आई हैव 9 रिक्शास ऑन माई ओन, अभी किरण की खुद की 9 रिक्शास है, कितनी रिक्शाओस है, 9 रिक्शाओस, ठीक है। आई विल गिव द रिक्शाओस ऑन रेंट, जो उसकी रिक्शा है वो रेंट पे देती है, ईच फॉर 20 a day, ए वन डे के पर डे 20 रुपीज रेंट है, ठीक है। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, और संडे के दिन वो उन लोगों से कुछ भी पैसे नहीं लेती है, मीन संडे के दिन वो रेंट नहीं लेती है, बाकी के दिन के लिए 20 रुपीज लेती है पर डे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, हम सॉल्व करेंगे। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शास इन अ डे, एक दिन में किरण 9 रिक्शाओं में से कितने अर्न करती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखनी होंगी, ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स रुपीज 20 पर डे, 1 रिक्शा के 20 रुपीज पर डे, सो फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज, तो 9 के कितने होंगे, तो उसके लिए हमें 20 रुपीज पर डे एंड 9 रिक्शास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आंसर 20 × 90 इज इक्वल्स टू 180 रुपीज। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डिड यू डू इट। स्टूडेंट्स, ये जो दो एंट है वो आपस में बातें कर रही है, तो एक एंट पूछती है अरे तुमने ये कैसे किया, तो दूसरी उसको रिप्लाई करती है हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 × 2 = 18, सो 9 × 20 = 180। स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखते हैं, 9 × 2 = 18 लिखते हैं, बट ये तो 20 है, 20, तो यहाँ पे भी सिंपली हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। 9 × 2 = 18 होता है, तो 9 × 20 = 180, इस तरीके से इसने किया, एंड ये एंड क्या रिप्लाई करती है, बट आई फाइंड दिस इजियर, फॉर 10 रिक्शाओस सी विल गेट रुपीज 20 × 10, उसके पास 9 रिक्शास है, अगर 10 रिक्शास होती तो क्या करते, 20 × 10 किया, आंसर मिला 200, बट उसके पास तो 9 रिक्शा है, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 रिक्शा के 20 रुपीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 - 20 =
180। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये? चलिए हम आगे करते हैं। अगर आपके पास भी कोई और न्यू वे है ये सम करने का तो ज़रूर से बताइएगा एंड उस वे को आप फॉलो करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। आपको खुद ही मेंटली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। 2 6 0, ये टेबल तो आपको इजीली आते ही होंगे। 2 6 0 कितने होते हैं? 12। तो 26 0, 2 6 12 होते हैं, तो 20 है, तो हम यहाँ सिंपली ये ज़ीरो जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर 2 तो सेम ही है, 6 का 60 हो जा रहा है, देन आंसर सेम ही रहेगा, 120। ओके, इसी तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यहाँ पे ये एंड कुछ बता रही है, देखिए क्या बोलिए। 4 × 81, यहाँ पे 4 × 80 लिखा है, तो हम करेंगे 4 8 0 4 8 0 32, एंड ये जो ज़ीरो है हम इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 4 × 81, इस एंट क्या कर रही है? 4 × 81 इज 4 more than 4 × 80। 480 और 4 × 81 मीन्स 4 नंबर ज़्यादा है, 320 में हम 4 प्लस कर देंगे, तो 324, ठीक है, 324 हमारा आंसर रहेगा। उसी तरीके से हमें बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे की तरफ देखें। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स, आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। क्या करती है किरण? जो छोटे छोटे जो जंक सेलर हैं वो घर घर सबके जाते हैं एंड जंक है वो कलेक्ट करते हैं। जंक कलेक्ट करने के बाद वो किरण के पास आते हैं एंड किरण उनसे वो जंक परचेस कर लेती है, उनसे वो खरीद लेती है। एंड जो किरण ने जंक खरीदा है वो बड़ी शॉप पे जाके उन्हें बेच देती है, ठीक है।